Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Phone. हेलो दोस्तों, हाय, मैं संजय गुप्ता। बात करते हैं सास और बहू की, तो हर एक घर में सास और बहू की लड़ाइयां तो होती ही हैं, सभी के घर में। और कभी कभी यूं ऐसा होता है कि सास और बीवी और पति जब जाते हैं कहीं घूमने, उसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बहू और एक सास, ध्यान से सुनिएगा, एक बहू और एक सास, उनके पुत्र श्री प्रकाश बैठे थे उदास। एक बहू और एक सास, उनके पुत्र श्री प्रकाश बैठे थे उदास। तभी अचानक माँ ने कहा कि बेटा, कल्पना कर कि मैं और बहू गंगा जी नहाने जाएं और गलती से मेरा पैर फिसल जाए, तो तू अपना धर्म कैसे निभाएगा? डूबती हुई माँ और डूबती हुई बीवी में किसे बचाएगा? मेहरबान कदरदान साहिबान, लड़का था परेशान, उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं तो दूसरी तरफ थी खाई। तभी अचानक बीवी ने मुंह खोला और यूं बोला कि हे पतिदेव, आप अपना काम श्रवण कुमार की तरह ही निभाना, कि आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह ही निभाना। डूबती हुई बीवी और डूबती हुई माँ में माँ को ही बचाना, माँ की ममता की लाज को मत लजाना। और बीवी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना उत्तर दिया कि उसको क्यों ना बचाए। बीवी ने बोला, अरे हम क्या, हमारा क्या, हम तो अभी जवान हैं, हम क्या, हमारा क्या, हम तो अभी जवान हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे, और हमें बचाना, जिन्हें तैरना भी नहीं आता वो भी कूद जाएंगे। ये हाल होता है सास और बहू का। एक हास्य कहानी थी, वही मैंने आपको सुना दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।